Hello guys, good evening and welcome back to my new vlog. सो आज का जो ब्लॉग है वो मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पूरे दिन आज ब्लॉगिंग नहीं की है। तो अभी खाना पीना जो है वो बन चुका है और आन्या ले रही हैं स्टीम। हेलो गाइस, क्योंकि ना इसको बहुत दिनों से जुकाम है तो मैंने भी स्टीम ली थी, सोचा इसको भी स्टीम दिलवाती हूँ क्योंकि बहुत दिनों से परेशान जुकाम से। बेटा लो स्टीम ले लो। इन लोगों का ना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है स्टीम लेने में, मतलब ये लोग ना खेल खेल में ले रहे हैं। मैं ले रही थी ना स्टीम तो फिर आन्या को बहुत दिन से जुकाम, तो मैंने बोला आन्या को भी स्टीम दिलवाती हूँ। उसके बाद राधिका, रितिका सब लोग मतलब कह रहे हमें भी स्टीम लेनी है। उन्हें ऐसा लग रहा, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। होता है ना बच्चे कोई नई नई चीज़ मतलब करते हैं ना तो उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हो चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल मैंने इवनिंग के बाद कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, खाना पीना खाने के बाद ब्लॉग वहीं पे कर दिया था एंड। तो बस अभी मैं उठी थी 5 बजे की तरफ और बस मैंने पानी वानी भरा और ये वॉश बेसिन की साइड ना बहुत ज़्यादा गंदा था तो बस इसी को कर देती हूँ मैं क्लीन और जाके नहा लेती हूँ। मतलब जो भी जैसे कि बाथरूम क्लीनिंग होती है, वॉशरूम क्लीनिंग होती है, तो ये सारे काम मैं नहाने से पहले ख़त्म कर देती हूँ एंड सुबह नहा लेती हूँ। क्योंकि पोछा लगाना सुबह मेरे हिसाब से, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है अगर मॉर्निंग में ही पोछा लगा दो। तो बस इधर साइड वाइपर लगा देती हूँ क्योंकि पूरे में ना पानी पानी हो गया है और मैं जाके फटाफट से नहा लेती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ नहा के, तो अभी रेडी हो गई हूँ, बस जा रही हूँ खाना पीना बनाने के लिए। सुबह मतलब नहाने के बाद ना एकदम लगता है कि फटाफट से खाना बन जाए क्योंकि इतनी जल्दबाजी में सारे काम होते हैं ना कि क्या ही बताऊँ मैं। तो आज बनेगी घर पे कोफ्ते की सब्ज़ी। सबका मन था कोफ्ते की सब्ज़ी खाने का क्योंकि बहुत दिन से आलू गोभी खा के इतना ज़्यादा बोर हो चुके हैं ना सब लोग, तो सबने बोला कुछ यूनिक सा खाते हैं। तो ये लौकी ना एकदम फ्रेश लौकी है, मतलब क्या होता है ना कि गांव में जैसे कि किसी के यहाँ लगा होता है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं चीज़ें, तो बस ऐसी आई थी। तो बस मतलब लौकी इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम फ्रेश लौकी। और ये जो गोल वाली लौकी है ना, इसको देखने मुझे इतनी ज़्यादा मतलब क्यूट सी लग रही थी। मैं बोली इसको बनाती नहीं हूँ, इसको मतलब ना ऐसे ही रखे रहती हूँ। तो बस लौकी को छील लिया है, छीलने के बाद इसको मैंने वॉश कर लिया है। आप कद्दूकस कर लूँगी, उसके बाद मैं इसको नहीं धुलूँगी क्योंकि कद्दूकस करने के बाद ना बहुत ज़्यादा फिर पानी पानी हो जाता है अगर इसको वॉश कर लो तो। तो बस इसको कद्दूकस करती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत पानी होगा ना एक्स्ट्रा बस उसको निकाल दूँगी मैं। तो लौकी को कद्दूकस करके अच्छे से उसको निचोड़ के रखा ही हूँ मैं। और अभी पीस लेती हूँ प्याज और लहसुन। प्याज और लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि पकौड़ियों में भी पड़ता है प्याज लहसुन और जो सब्जी बनाएंगे उसमें भी पड़ेगा। और ना मतलब बहुत सारी जब क्वांटिटी होती है ना तो प्याज पीसने में ना इतने ज़्यादा आंसू निकलते हैं ना क्योंकि जो झरप लगती है ना उससे ना एकदम रोना आ जाता है भयंकर वाला। लेकिन लाइट आ नहीं रही थी तो यही प्रॉब्लम है। मिक्सी तो है लेकिन जब लाइट ही नहीं रहेगी तो उसको यूज़ कैसे करेंगे। लेकिन जो सिल्का मसाला होता है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो बस कोफ्ते अभी पकौड़ियों के लिए मैं रेडी कर लेती हूँ। तो बेसन में लौकी डाल दी है मैंने और जो भी मसाले होते हैं बेसिक मसाले वही नमक, मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा और हींग, यही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी ना बाद में थोड़ा थोड़ा करके डालना चाहिए क्योंकि लौकी में ऑलरेडी पानी छूटता है तो पहले लौकी और बेसन को ही हम लोग मिक्स करते हैं। तो बस पकौड़ियाँ बना लेते हैं, जो भी खाएगा वो खा लेगा, बाकी की जो बचेंगी पकौड़ियाँ उसकी हम लोग सब्जी बना लेंगे। तो पकौड़ियाँ जो है वो बन चुकी हैं। फटाफट से सब्जी छोंक देती हूँ क्योंकि इस वाली सब्जी को बनाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है और ये ऑफिस जा रहे हैं तो बस ये रेडी होने के लिए गए तो तब तक ना सब्जी को फटाफट से खौला लेती हूँ फुल गैस करके और फिर धीरे धीरे खौलती रहेगी जब तक रोटियाँ वगैरह सेकूँगी, जब तक सब्जी जो है वो बन जाएगी। तो सब्जी जो है वो बन चुकी है। अभी इसमें मैं डाल देती हूँ मसाला और बस सब्जी जो है वो रेडी है। सबको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। मैंने अभी तक एक भी बार नहीं बनाई है, फर्स्ट टाइम बनाई है ये वाली सब्जी, लेकिन भैया को इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी। भैया बोले बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, मतलब फर्स्ट टाइम के हिसाब से, लेकिन मैंने बहुत मन से भी बनाई थी। मतलब होता है ना कि किसी को कोई चीज़ आती नहीं है तो वो बहुत लगन से बनाता है तो वो अच्छी बन ही जाती है। तो ये थोड़े से बर्तन थे तो सोचा कि ये बर्तन धुल देती हूँ, उसके बाद करूँगी बाकी के काम क्योंकि फिर बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। और रोटी वगैरह मैंने जो है वो बना ली है। ब्लैंकेट के अंदर कौन है? अरे कपड़े नहीं पहनने, जल्दी पहनो, जल्दी पहनो। नंगे पंगे शेम कर देंगे सब लोग, नहीं करेंगे सब लोग शेम। शेम अनन कपड़े नहीं पहने। सो आन्या को मैंने नहला दिया है और खाना पीना रोटी बर्तन सब हो गया है। अब आई हूँ मैं इधर अपने रूम में। पूरे रूम इतना ज़्यादा मैशी हो रखा है, ये देखो बिस्तर में आन्या छुपी हुई है। इनको नहला के लाई हूँ तो मैं इनके कपड़े लेने के लिए चली गई, तब तक ये छुप गई। अरे हम नहीं कपड़े पहनेंगे, हमें तो ब्लैंकेट में ही मज़ा आ रहा है। अन्नू हम हेलो गाइस को दिखा देंगे अन्नू ने कपड़े नहीं पहन रखे। गंदी बात। तो अभी आन्या को मैंने रेडी कर दिया है, वो अपना खेल रही हैं और मैं फटाफट से बिस्तर बिछा देती हूँ, झाड़ देती हूँ और ब्लैंकेट वगैरह को घरी करके रख देती हूँ क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। ये लड़की जैसे ही नहा के तैयार होती है इसको तुरंत निन्ना लगाती है। मतलब इसका है बच्चे, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं सोते हैं, दिन में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन टच वुड ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। ये अपना दिन में 1 से 2 घंटे की नैप तो लेती ही लेती है, बाकी अपना खेलती रहती है, मतलब परेशान नहीं करती है। तो बस पूरे रूम में डस्टिंग कर देती हूँ एंड देन झाड़ू एंड पोछा कर देती हूँ, उसके बाद हो जाऊंगी अपने काम से फ्री। आज ना थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि सब्जी बनाई थी ना मैंने, खुद बनाई थी। वैसे तो मम्मी बना देती हैं लेकिन मम्मी थोड़ा सा बिजी थी किसी काम में तो मैंने सोचा कि चलो मैं ही बना देती हूँ, लेकिन अच्छा हुआ कि मैंने ही बनाई क्योंकि दीदी भैया ये लोग बोल रहे थे कि तुमने बनाई, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आया। तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना, दीदी बोल रही थी नहीं वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है। तो होता है ना कि कोई चीज़ अगर बनाओ मन से और फिर उसकी कोई तारीफ़ कर दे तो फिर मतलब अंदर ही अंदर जो खुशी होती है ना वो तो वही समझ सकता है जो बहुत मेहनत करके कोई चीज़ तैयार करता है। अभी लगा लेती हूँ मैं पोछा और देन मैं हाथ मुँह धुल लूँगी क्योंकि पोछा वोछा लगाने के बाद ना घर के सारे काम करो। नहा तो चुके ही हैं लेकिन होता है ना कि काम वाम करो और सुबह मॉर्निंग में लगाती नहीं हूँ इसलिए क्योंकि जैसा का तैसा ही हो जाता है फिर घर। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे। कुछ कपड़े थे कल के पड़े हुए थे क्योंकि चादर वगैरह ना कल सूख नहीं पाए थे तो बस उन्हें उठा लेती हूँ। और कुछ कपड़े थे जो मैंने हाथ से धुले थे, क्योंकि आज मैंने थोड़े बहुत डेली यूज़ वाले कपड़े धुले हैं, बाकी कल मशीन चला लूँगी क्योंकि परसों है ताऊ जी की 13वीं, तो फिर कल ही चला लूँगी मशीन। परसों तो जाहिर सी बात है इतने सारे लोग आएंगे तो मशीन वशीन कहाँ लेके बैठो। तो अभी लगा देती हूँ मैं छत पे झाड़ू, क्योंकि पानी वगैरह गर्म होता है ना तो छत गंदी हो जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो बस छत पे झाड़ू लगा देती हूँ, बाकी अभी तो कोई काम नहीं है इसके अलावा। सो गाइज़, अभी हो रही है नेक्स्ट मॉर्निंग। कल शाम ना मैंने ब्लॉग एकदम एंड कर दिया था क्योंकि मेरे पेट में ना दर्द हो रहा था पता नहीं क्यों, तो फिर मैं सो गई थी। तो अभी मैंने नहा लिया है और आन्या को करा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट। ये बने हैं चावल, बच्चों के लिए चावल बनाए थे स्कूल के लिए, तो भाई मैं आन्या को भी खिला रही हूँ। हाँ, इसको लग रहा है ये मैगी है। और मिथौरी आलू की सब्जी जो है वो बन रही है, आटा लगा के रखाई हूँ, और चाय भी बन रही है एक तरफ। तो मिथौरी आलू की सब्जी जो है वो बन चुकी है। मिथौरी आलू की सब्जी ना सबको पसंद है, मतलब ऐसा कोई नहीं है, हस्बैंड को भी पसंद है, दीदी भैया, मतलब सबको पसंद है। क्योंकि होता है ना कि कोई सब्जी होती है जो पूरा घर खा लेता है। तो फिर सब्जी बन गई है, फटाफट से रोटियां सेक के रख देती हूँ क्योंकि कुछ काम है जो आज ख़त्म करने हैं, तो उनके लिए भी जाना है मुझे। सो गाइज़, अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मेरा सारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। आन्या को सुला दिया है मैंने और मैं जा रही हूँ, दीदी रहती हैं मतलब मेरी जेठानी, उनके यहाँ आटा छनवाने के लिए, क्योंकि कल ताऊ जी की 13वीं है तो फिर उसी के लिए आटा छान के देना पड़ता है हलवाई को। बाकी तो वो लोग कर लेते हैं, सब्जी वगैरह काट लेते, पूड़ी भी खुद ही बेलते, बाकी कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आटा छनवाना होता है। तो वही आटा है जो कि मुझे छनवाना है, तो वहीं जा रही हूँ। और कपड़े भी मैंने मशीन चलाई थी तो कपड़े भी धुल लिए थे, क्योंकि लाइट चलती रही तो फटाफट से, थोड़े से ही थे 2 दिन के कपड़े, तो मैंने फटाफट कपड़े वगैरह सब धुल के डाल दिए हैं। तो सारे काम से फ्री हो गई हूँ, तो बस जा रही हूँ। दीदी खाना खा रही हैं, वो खा ले, उसके बाद हम लोग आटा छनवाने के लिए जा रहे हैं। सो गाइज, आटा वाटा छनवा के जो है वो मैं आ गई हूँ। सारे कपड़े जो हैं वो आटे में ही हो गए हैं, सफ़ेद सफ़ेद से। मैंने नहा लिया था सुबह, दीदी तो नहाई नहीं थी, हाथ वाथ देखो सब आटे में ही हो रखे हैं मेरे। तो बस हाथ मुँह धुल लेती हूँ। और आने अभी सो रही हैं, मतलब 1 घंटे से मैं वहीं पे थी तो तब से वो सोई रही है, करवट भी नहीं बदली उसने। और लाइट आने रही है तो बस अभी कोई काम नहीं, क्योंकि मैं सारा काम अपना पहले ही ख़त्म कर लिया था, क्योंकि बताया ना था ना दीदी ने कि आटा छनेगा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सुबह सारे काम कर लिए थे। तो बस हाथ में धुल लेती हूँ, फिर मिलती है आप लोगों से। अरे अरे अरे, ये क्या ले आए? लड्डू ले आए। अन्या का फेवरेट है लड्डू, गणेश जी थी शायद पहले जन्म में। क्यों गणेश जी हो आप? गणेश जी हो अन्नू, आप गणेश जी हो? सच्ची आपको लड्डू फेवरेट है आपका? खा लो, मम्मा को खिलाओगे? चारों लड्डू खुद ही खा गई, क्यों मम्मा को नहीं खिलाया? हाय, बाहर ना जाओ बेटा, गंदी बात, पिटाई कर दूंगी मैं। हाँ। सो गाइज, अभी राधिका लगा रही है बालों में तेल, और ये देखो दोनों शैतान यहाँ पे इतना परेशान कर रहे हैं। हाँ, तो क्योंकि ना कल मैं करूँगी मॉर्निंग में हेयर वॉश, क्योंकि घर पे अग्यारी लगेगी ना, तो हेयर वॉश करेंगे। सुबह जल्दी उठूँगी तो सुबह ऑयलिंग हो नहीं पाती है, इतना टाइम नहीं होता है, क्योंकि सारे काम बहुत जल्दबाजी में होते हैं, तो इसलिए सोच रही हूँ शाम को ही तेल लगवा लेती हूँ, बाकी मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लूँगी। और आलू गोभी की सब्जी और अभी रोटियाँ बनेंगी, बाकी सब्जी जो है वो बन चुकी है। तो बस खाना पीना खाना है, सब लोग आ जाएँ, उसके बाद खाना वाना खाएँगे। तो तब तक मैंने सोचा कि बालों में तेल लगवा लेती हूँ मैं। सो गाइस, खाना पीना जो है वो खा लिया है मैंने, और अभी जा रही हूँ मैं वीडियो की एडिटिंग करने। ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करके कर देती हूँ एडिट, क्योंकि मेरे ब्लॉग लेट हो जा रहे हैं आजकल। तो बस ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अपना प्यार से कमेंट कर देना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय।